खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की रहस्यमय मौत मामले में भाजपा की ओर से इस्लामपुर और ग्वालियर पोखर थाने में रिपोर्ट ज्ञापन देने के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। हत्यारों को उस घटना में तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और हम सीआईडी जांच के बजाय सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। भाजपा के ग्वाल पोखर ब्लॉक नंबर 7 मंडल कमेटी ने बुधवार को ग्वाल पोखर पुलिस स्टेशन के ओशी विश्वनाथ मित्रा को एक ज्ञापन सौंपकर संबंधित मुद्दों सहित 10 बिंदुओं की मांग की। समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार मंडल ने कहा कि मुद्दे पर राज्य भर में कार्यक्रम किए गए हैं, उसी के तहत ग्वाल पोखर में इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ज्ञापन में कई स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया गया है। यह कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का मामला भी बीजेपी ने पुलिस के सामने उठाई है। उन्होंने कहा कि ग्वाल पोखर पुलिस स्टेशन के ओशी ने उन्हें इस बारे में आश्वासन दिया है। दूसरी ओर इस्लामपुर टाउन मंडल भाजपा की ओर से इस्लामपुर थाना में डेप्यूटेशन दिया गया है। इस्लामपुर टाउन मंडल के अध्यक्ष संदीप भट्टाचार्य ने कहा कि इसके सामने उन्होंने सीबीआई जांच की मांग के अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। उत्तर दिनाजपुर से रंजित यादव की रिपोर्ट। देखो अपना सकले जानें जो विषय आज के डेपुटेशन उत्तर दिनाजपुर जिलार हेमताबाद ब्लॉक बीजेपी विधायक माननीय देवेंद्रनाथ राय देवेंद्रनाथ बाबू के निर्विकारे हत्या करा हुए चे एवं से ही हत्यार प्रतिबादे खुनी देर ग्रेप्तारे दाबीते आम्रा आज के सारा पश्चिम बांगलार साथे ग्वालपुकुर ब्लके आमादेर डेपुटेशन चलचे। कतगुली दाबी आपनादेर आमादेर अनेक दाबी कम से कम दस दफा दाबी आठटा दसटा पॉइंट निये आमादेर दाबी तादेर सीबीआई जे रकम आमादेर तार प्रथम दाबीटाई आछे जे आमादेर एमएलए साहेब के जे खून करा हुए चे तार सीबीआई तदंत दिते हबे एवं ए राज्य सरकारेर जे सीआईडी तदंत चलछे एटा आमरा मानछि ना। आपनारा तो लोकाल किछु विषय तुले धरलाम एइजन्य जे आमादेर एखाने जारा आमादेर लोकाल जे कार्यकर्ता जारा आछे আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির গোয়ালপুকুর ব্লকের যারা কার্যকর্তা আছে অনেক জায়গায় তারা শাসক দলের যারা গুন্ডা বাহিনী যারা আছে যারা সন্ত্রাস চালায় তাদের বিক্ষোভের মাথায় পড়ছে তারা এবং তাদেরকে শাসানো হচ্ছে, তাদেরকে হয়তো বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না। সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও আমরা আমাদের এই লোকাল থানায় আমরা আলাপ আলোচনা করেছি। পুলিশ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আনন্দ কুমার মন্ডল এই গোয়ালপুকুর ব্লক 7 নম্বর মন্ডলের সভাপতি আমি।